राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश के सभी अवर अभियंता और प्रोन्नत सहायक अभियंता केंद्र के आह्वान पर 12 सूत्रीय मांग को लेकर 48 घंटे के मुख्य अभियंता कार्यालय मोहद्दीपुर पर उपवास पर बैठे थे। शनिवार को उपवास के 48 घंटा पूरा होने पर पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के एल यादव ने उपवास पर बैठे सभी अवर अभियंता और प्रोन्नत सहायकों को जूस पिलाकर उपवास खत्म कराया। अवर अभियंता ने कहा कि विभाग में आउटसोर्सिंग में रखे जा रहे व्यवस्था को समाप्त किया जाए, ये व्यवस्था विभाग को निजीकरण की तरफ ले जाने की व्यवस्था है। हम अपनी मांगों को पूरा करने के लिए शासन प्रशासन से लड़ेंगे। हमारा आंदोलन आने वाले दिनों में और उग्र होगा। इस अवसर पर इंजीनियर अमित प्रताप सिंह, सचिव कुशीनगर, इंजीनियर रमेश सिंह, तुषार सिंह, इंजीनियर राम इकबाल, प्रिंस पाठक, राजीव कुमार, गौतम कुमार, मृत्युंजय शर्मा सहित भारी संख्या में अवर अभियंता और प्रोन्नत सहायक अभियंता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के एल यादव और इंजीनियर अजय कुमार ने कहा। उचित माध्यम द्वारा यूपीपीसीएल के चेयरमैन तक ध्यान बताइए। केवल 10 या 12 मिनट बचे हैं। साधुवाद और बधाई देता हूं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जय संगठन जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, जिंदाबाद, जय संगठन जिंदाबाद, 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 जय संगठन जिंदाबाद, मांगे पूरी हो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। वर्तमान क्षेत्रीय अध्यक्ष इंजीनियर निगम साहब को जूस पिला के क्षमा करेंगे इंजीनियर के यादव साहब। अब के यादव साहब से अनुरोध करेंगे प्रांतीय अध्यक्ष इंजीनियर उनका उपवास करवाना सुनिश्चित करेंगे। हमारा 48 घंटे का उपवास पूरा हो गया है और प्रशासन ने वार्ता करने की कोशिश नहीं की है। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि प्रशासन जो अवर अभियंता संवर्ग है उसके प्रति तो गंभीर नहीं है, बल्कि ये उपभोक्ताओं के प्रति भी उदासीन है, गंभीर नहीं है और ये किसी भी समस्या का समाधान निकालना नहीं चाहता है, इसको टालमटोल कर रहा है। आगामी हमारा अगर प्रबंधन 1 तारीख तक मांगे नहीं मांगता है तो हम पूर्वांचल डिस्काम पे 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन पूरे डिस्काम के लोग, पूरे प्रदेश में डिस्काम मुख्यालय पे 48 घंटे का पुनः हम लोग अनशन करेंगे और फिर अगर कोई तब तक भी अगर मांगे नहीं मांगी गई तो हम लोग आगामी रणनीति बनाएंगे और मीडिया को सूचित किया जाएगा। देखिए, प्रशासन पूरी तरह से तानाशाही रवैया अपना रहा है। हमारी मांगे सारी उचित हैं, इस पे हमारी सहमतियाँ भी बन चुकी हैं। कई बार 8 चरण की हमारी वार्ता पहले हो चुकी है, उसमें सहमति भी बन गई है। आदेश बस होना था लेकिन ये आदेश करने के मूड में नहीं है। अब इनको लग रहा है हमारी सिर्फ एक कमजोरी है, वो उपभोक्ता है। अगर हम उपभोक्ता की बिजली बंद कर दें तो ये आज के आज हमारे आ जाएंगे घुटनों पर। लेकिन हमारी कमजोरी है उपभोक्ता। हम उपभोक्ता सेवा से कहीं विरत नहीं रह सकते हैं, न रहना चाहते हैं। हम उपभोक्ताओं के हित में हैं, इसलिए ये हमें कमज़ोर समझ रहे हैं। लेकिन अगर ये हमारा आंदोलन 2 अक्टूबर के बाद अगर 1 तारीख तक ये नहीं हमें चेतते हैं या हमारे साथ कोई वार्ता या हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो 2 अक्टूबर के बाद हम बिल्कुल रणनीति तय करेंगे। और इसमें हम उपभोक्ताओं से अपील करना चाहते हैं कि आपके लिए हम लड़ तो रहे हैं लेकिन हमारी जब तक चलेगी व्यवस्था तब तक ही चलेंगे। और अगर इससे आपको कोई कष्ट होगा हमारे अगले आंदोलन से, जिसमें उपभोक्ता भी प्रभावित होंगे, अगर उपभोक्ताओं को कष्ट हो कोई होगा तो इसके लिए पूरी की पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, प्रबंधन की होगी। क्योंकि प्रबंधन ये कतई उनके दिमाग में ये भी नहीं है कि उपभोक्ताओं की सेवा किस तरह से होती है।